चैंपियन ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार है, अभी तक फैसला नहीं हो पाया क्योंकि इस वक्त दोनों बोर्ड आईसीसी फुल कंफ्यूज हो गया। देखो चैंपियन ट्रॉफी तो वैसे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही खेली जाएगी, भारत दुबई के अंदर खेलेगा, लेकिन अब भारत सिग्नेचर करने से भाग रहा है। जय शाह अब डॉन बन चुके हैं आईसीसी के, अब आगे क्या फैसले होंगे, क्योंकि 5 तारीख को उन्होंने कुर्सी संभालनी थी लेकिन आज ही उन्होंने अब कुर्सी संभाल ली और अब कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान के हाथ से चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत इस चीज के ऊपर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान हमारी कंट्री में आकर खेलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान नहीं आकर खेलेगा, वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान ना जाएं और पाकिस्तान भारत आकर खेले। बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ यही चाह रहा है और तभी वो सिग्नेचर से भाग रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है चलो ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलो, हम राजी हैं आपके साथ, आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलो, हम वहीं पर आकर खेलेंगे दुबई के अंदर, लेकिन हमारी भी शर्त है, हमारी डिमांड है, आप सबसे पहले हमारी डिमांड के ऊपर पूरा उतरें। और हमारी डिमांड ये है कि हम भी आगे से न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल यूज करेंगे। तो भारत कह रहा नहीं ऐसा नहीं होगा, तभी बीसीसीआई पीछे भाग रहा है, नहीं तो फैसला हो जाता अभी तक। देखो पाकिस्तान ने आपकी एक मानी कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलो, हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ये चाह रहा है कि फैसला बराबरी के ऊपर हो। हालांकि आज भी मीटिंग हो सकती थी लेकिन नहीं हुई क्योंकि छुट्टी का दिन है, कल भी छुट्टी का दिन है संडे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी पाकिस्तान पहुंच गए। डेड लोग अभी तक बरकरार है। देखो आईसीसी भी कहीं ना कहीं पर नाकाम है इस मसले को सुलझाने के अंदर। चलो दोनों की क्रिकेट बंद कर दो यार, आप ना पाकिस्तान इंडिया जाए ना इंडिया पाकिस्तान, दोनों मुल्क की हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेले। पाकिस्तान तो यही चाह रहा है फैसला बराबर बराबरी के ऊपर हो, लेकिन आईसीसी ऑन लेटर पाकिस्तान को दे ही नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ और सिर्फ इतना इतनी सी चीज मांग रहा है कि आप हमें ऑन लेटर दे दें, उसके ऊपर लिखा हुआ हो कि आपकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही पाकिस्तान जाने से और आप चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर दुबई के अंदर, जहां दिल करे आप वहां खेलेंगे, तो आप हमें ऑन पेपर लेटर दे दें, राइट लेटर दे दें जो होता है, ताकि हम भी फिर आपको बताएं कि आप ऐसे फैसले ले सकते हो, हम भी ऐसे फैसले ले सकते हैं। और हक है पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीजें करने का, और कहीं ना कहीं पर आईसीसी कहीं ना कहीं पर कोई फैसला ले ही नहीं पा रहा। आईसीसी का हक बनता है कि इस फैसले को निपटाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको जुमेरात से पहले पहले तो अपना जो शेड्यूल है वो अनाउंस करना है। देखो इंडिया हाइब्रिड पर ही खेलेगी ये कंफर्म है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर मान चुका है, लेकिन भारत इसके ऊपर नहीं मान रहा कि पाकिस्तान भी जाकर फिर इंडिया नहीं खेलेगा। साल सन 2026 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भी दुबई के अंदर खेलेगा, श्रीलंका के अंदर होगा, पाकिस्तान वहां खेलेगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज शेयर करेंगी इंडिया और श्रीलंका, तो पाकिस्तान श्रीलंका में रहकर वो टूर्नामेंट खेलेगा। 3 साल का मुआहदा पीसीबी कह रहा है कि आप हमारे साथ करो, ताकि आपको भी तो पता लगे आपके दिलों में क्या चीज गुजरती है। देखो इंडिया नहीं आ रहा, ये पाकिस्तानी फैंस से आप लोग एक नॉर्मली पूछ कर देख लें, बहुत लोग हंस रहे हैं कि हंसी दांत निकाल रहे हैं कि अच्छी बात है इंडिया नहीं जा रही, लेकिन एक नॉर्मली क्रिकेट फैन से आप पूछ लें कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही है, तो उससे आप पूछें एक पाकिस्तानी फैन से जो इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत सपोर्ट करता होगा। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विराट कोहली को देखना चाहते हैं ऑन स्टेडियम पाकिस्तान के अंदर, उनके पास इतने पैसा नहीं होते कि वो दूसरी कंट्री जाकर दुबई या फिर कहीं और जाकर देखें। वैसे रोहित शर्मा है, आपके कितने क्रिकेटर्स हैं, उनको हमारे फैंस दुबई के बजाय लाहौर में देखना चाहते हैं, यार ये भी यहाँ पर आकर खेलेंगे, हम इनसे मिलेंगे, तस्वीरें बनाएंगे, हम इनको आंखों के सामने देखेंगे। देखो बहुत सपोर्टर हैं, इसलिए मजाक कहीं ना कहीं आपको भी नहीं उड़ाना चाहिए। कल भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने, खासतौर पर इंडियन फैंस ने। अब डेडलॉक बरकरार है, आईसीसी फैसला जो जल्द सुना देगा, फैसला तो यही है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी, और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस चीज के ऊपर नहीं आ रहा है। देखो इंडिया कह रहा है, बीसीसीआई कह रहा है कि फाइनल भी दुबई के अंदर होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी मानी, आप खेल रहे हो दुबई के अंदर, लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि फाइनल भी दुबई के अंदर खेलो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोल रहा नहीं, आपको फाइनल तो चलो आप लाहौर में आकर खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है, मोहसिन नकवी ने कहा है कि आप लाहौर में आकर फाइनल खेल लीजिएगा, बकिया मैचेस आप दुबई में खेल लो, जब आप फाइनल में पहुंचोगे आप आ जाओ इधर खेलो हमारे साथ फाइनल, लाहौर के अंदर खेलो ताकि यहाँ रेवेन्यू तो जनरेट हो, ऐसा ना हो पाकिस्तान बाहर हो जाए, फाइनल मुकाबला हो रहा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दुबई के अंदर, क्या मजा आएगा पाकिस्तानी फैंस को। ऐसा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ना इंसाफी भी है भारत की, एक नॉर्मल क्रिकेट फैंस चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का, उसको खुद पता है कि यार ये ना इंसाफी हो रही, वो वाले क्रिकेट फैन नहीं जो इस वक्त चल रहे हैं, जो सही वाला ये कर रहे हैं कि अच्छी बात है इंडिया ना जाए। देखो आपको भी नुकसान होगा, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, ये तो कन्फर्म है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही चैंपियन ट्रॉफी होगी, भारत दुबई में खेलेगा,
लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि आप हमें ऑन राइटिंग लेटर दो, फिर हम भी आपके साथ अगले 3 साल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आप सिग्नेचर करो, आईसीसी सिग्नेचर करे, बीसीसीआई करे, तमाम बोर्ड सिग्नेचर करें, आने वाले वक्त में हम भी भारत की तरफ नहीं जाएंगे, हम भी फिर उनसे नहीं खेलेंगे। और होना भी ऐसा ही चाहिए, मैं भी यही चाहता हूं कि ऐसा ही हो, ना तुम आओ ना भाई हम जाए, बात यहीं पर खत्म, आना जाना बिल्कुल बंद हो जाए, न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर खेलो, ताकि आपको भी नुकसान हो, हमें भी नुकसान हो रहा है, आपको भी हो, आपके क्रिकेट फैंस भी तरसे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया में, इंडिया के अंदर अहमदाबाद के अंदर मैच देखने को, तब आप लोगों को एहसास होगा कि यार क्रिकेट को एक साइड पे रखना चाहिए था, सियासत को एक साइड पे रखना चाहिए था। अभी आपके अंदर एहसास नहीं है, आपके अंदर अभी एहसास नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाएंगे कि अच्छी बात है इंडिया नहीं जा रहा, लेकिन जब आपके पास T20 वर्ल्ड कप साल सन 2026 होगा, पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करता, पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू और न्यूट्रल पर खेलता है, इंडियन फैंस क्या अहमदाबाद में इंतजार करेंगे, फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी, फिर आपको पता लगेगा। अभी तक तो यही खबरें हैं कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है, इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगी, और शेड्यूल अभी तक नहीं आया। देखो शेड्यूल जुमेरात तक आपको ब्रॉडकास्टर ने डेडलाइन दी हुई है कि आप जुमेरात तक शेड्यूल की अनाउंसमेंट कर दें, उन्होंने भी अपने बहुत सारे काम करने, तो जो भी होगा कहीं ना कहीं पर बेहतर ही होगा क्रिकेट का, जैसे मोहसिन नकवी ने कहा, तो कहीं ना कहीं पर दोनों बराबरी के ऊपर, सतह के ऊपर मामला मोहसिन नकवी करना चाह रहे हैं, ना हम आए ना तुम, बस दोनों बराबर, हम भी न्यूट्रल बनी तुम भी न्यूट्रल बनी, ऐसे ही चलेगा। और जो शेड्यूल की है वो जो जुमेरात तक आपको देखने को मिल सकता है, शेड्यूल डेडलॉक खत्म हो जाएगा, आखिर में होना ही है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल तो मान लिया गया, वैसे भी बस ये फैसला होना है कि हम भी फिर इंडिया नहीं जाएंगे। इस फैसले के ऊपर बीसीसीआई मान जाए, ऑन राइट दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ताकि पाकिस्तान भी अपना काम उतारे इस चीज से।